देखते जेपर भाव प्रधानमंत्री आह्वान देखते हर घर तिरंगा आह्वान देखते जेपर भाव में भारत तार 75तम स्वाधीनता दिवस पालन कर आजादी अमृत आजादी का अमृत महोत्सव अवसर जोपर भाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर घर तिरंगार आह्वान देखते प्रति घरे तिरंगा पता लगे देशात्मबोधक जो चेतना जाग्रत होपर भाव में यह परिप्रेक्षी में बीएसएफ जवान मान पक्षर सैनिक स्कूल एक राली बाहरी हर घर तिरंगार एक राली बाहरी निहती भाव में जो इन्फोसिटी थाना इन्फोसिटी अंचल रही है से ही जाए जाए पहुँचे आम सह अच्छा बीएसएफ आईजी अच्छा सीधा आलोचना करवा प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा नारा दे दिया था आप एक राली निकाले हैं क्या है उसका मूल लक्ष्य क्या है? नहीं, एक रैली नहीं, एक आज का हमारा प्रोग्राम था वाकथन, जिसमें हम वॉक भी करेंगे दौड़ेंगे भी। और जैसे कि सभी को मालूम है कि भारतवर्ष आज 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस सिलसिले में हम देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं कि हर घर झंडा 12 तारीख से 13 तारीख से 14-15 तारीख तक ये हर घर झंडा जो दिया है प्रोग्राम में उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं कि उस दिन ज़रूर अपने घर में झंडा फहराएं। ये झंडा हमको बड़े मेहनत से मिला है, आज़ादी के वक्त हमारे बहुत से नेताओं ने, बहुत से सोल्जर्स ने इसमें कुर्बानी दी है, इसका महत्व हमें पूरे देशवासियों को बता रहे हैं। और मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहता हूं, धन्यवाद। निहत भाव जो प्रतिक्रिया शुणुले कमलाकांत जो भाव में जो भाव प्रधानमंत्री जो नारा रही हर घर तिरंगा नारा रही ताकि सफल रूपायन करने बीएसएफ मान एक प्रयास रही जोपर भाव में जो साधारण जनता अच्छा से जनता मान जपरी समस्त निज घर तिरंगा पता लगे से जनता मान को आह्वान दौरान सचेतन करा जो भाव में स्वाधीनता जो सैनिक मान क्या कहतु स्वाधीनता संग्रामी मानक जो मैंने आम बलिदान देते से मानक स्मृति उद्देश्य यहीपरी जो राली रही है राली करा कमलाकांत भाव में राजधानी भुवनेश्वर वर्तमान विशाल तिरंगा यात्रा चलती आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान रे भुवनेश्वर सीआरपीएफ द्वारा एभली विशाल तिरंगा रैली रो आयोजन कराई आपण माने तार सीधा सड़क दृश्य देखुते बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय रही प्रतिनिधि सीधा सड़क दृश्य आपको देखा।